नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा आई अंतगृह परिक्रमा का संपन्न, परंपरा अनुसार तराई में होली पावन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा। अंगीकृत नागरिकता के विषय में मतभेद भेला पश्चात एहि के समाधान कर समिति से 5 सदस्यीय उपसमिति गठन कयल गेल। वर्तमान सरकार विदेशी लगानी आना सक्षम नहीं रहल, कांग्रेसक नेता डॉक्टर महतक दावी। विज्ञापन के लिए छुटियाल गेल बजट खर्च नहीं भेला पर स्वतः राज्य कोष में फिरता हेबा कानून व्यवस्था करवाक सरकारक तैयारी। अफगानिस्तान काबुल में बम विस्फोट, 6 गोटे की मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर ढलकेबर सड़क अंतर्गत प्लाई फैक्ट्री समीप अनियंत्रित भ कार दुर्घटना भेल। ढलकेबर से जनकपुर दिश आबि रहल 22-42-21 नंबर कार दुर्घटना भेला से चालक बर्दीवास रहनिहार अंकित चोपर घायल भेल। चालक बेसी मादक पदार्थ सेवन क के तीव्र गति में चलौला से दुर्घटना भेल। स्थानीय सब अनुमान केने कार के प्रहरी नियंत्रण में ल के अनुसंधान क रहल। मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा आई भोरे अंतगृह परिक्रमा क संपन्न भेल। कचरी स्थित मिथिला बिहारी मंदिर से उठल डोला आई अंतगृह परिक्रमा केला बाद 15 दिवसीय मध्यमा परिक्रमा विधिवत रूप में संपन्न भेल। डोला बुध दिन दोपहर जनकपुर धाम पहुँचल छल। कड़ा सुरक्षा बीच डोला जनकपुर के ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान 12 बीघा में राखल गेल। बुध दिन रात्रि विश्रामक बाद आई डोला के अंतगृह परिक्रमा कयल गेल। अंतगृह परिक्रमा केला बाद सहभागी श्रद्धालु भक्तजन से हो अपन अपन घर घूरल। बीतन फागुन 22 गते मिथिला बिहारी के डोला उठल छल। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका हनुमानगढ़ी से शुभारंभ भेल परिक्रमा भारत के कलानेश्वर गिरजा स्थान भ के नेपाल महोत्तरी के मटिहानी जलेश्वर मड़ई ध्रुवकुंड कंचन मन होइत धनुषा के पर्वत्ता धनुषाधाम सतोखर और ही परिक्रमा के फेर से भारत के करुणा आ बिसौल भ के बुध दिन जनकपुर पहुँचल छल। विभिन्न रंग अबीर आ लोला खेल के आई से हो होली पावन मनाओल जा रहल है। आपसी मेल मिलाप आ सद्भावना के संदेश ल आई देशक तराई भाग में होली पावन हर्षोल्लास पूर्वक मनाओल जा रहल है। नेपालक सब जाति से मनाल जाय वाला होली पावन देशक दुनू पहाड़ी तथा तराई क्षेत्र में हर्षोल्लास पूर्वक मनाओल जात है। पहाड़ी भाग में काल मनाओल गेल छल। तराई क्षेत्र में 2 दिन धरि मनाओल जाय वाला होली पावन के अवसर में साथी भाई तथा इष्ट मित्र सब एक ठाम जमा भ के रंग संग खेलत खुशियाली मनेलक अछि। जनकपुर धाम में बुध दिन संपन्न महामूर्ख सम्मेलन में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह के महामूर्ख के उपाधि भेटल अछि। प्रत्येक वर्ष जका एहि बेर सेहो होली के पूर्व संध्या में जनकपुर में महामूर्ख सम्मेलन के आयोजन क मिथिला नाट्य कला परिषद शाह के एहि वर्षक महामूर्ख के उपाधि देलक अछि। सम्मेलन में ओ जनकपुर धाम महानगर पालिका लगायत संपूर्ण नगरवासी के होली के शुभकामना व्यक्त करैत मिथिला नाट्य कला परिसर मिनाप मिथिला के कला संस्कृति जोगाव के अभियान के रूप में प्रत्येक साली कार्यक्रम करैत काल में ओ जनकपुर धाम महानगर पालिका के तरफ से सम्मान के घोषणा समेत कयलनि अछि। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जनताक जल विद्युत कार्यक्रम अंतर्गत त्रिशूली बी जल विद्युत आयोजना के शेयर खरीद क के जनता के शेयर आवेदन शुभारंभ कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली अपने सरकारी निवास बालुआटार में ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय से आयोजित कार्यक्रम में जनताक जल विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिशूली बी जल विद्युत आयोजना के 10,000 किता शेयर के लेल आवेदन देलन। एहि अवसर में प्रधानमंत्री के पत्नी राधिका शाक्य 10,000, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन 1,000, पूर्व सभामुख अंसरी घरती बगर एहि आयोजना में 2,000 किता शेयर के लेल आवेदन देलक अछि। ई आवेदन सर्वसाधारण के लेल अगला चैत 11 गते धरि जारी रहत। प्रधानमंत्री ओली नेपाल ऊर्जा के धनी देश भेल कहैत पानि के सदुपयोग क सम्पन्न होब सेहो ई नया अभियान के शुरू केने स्मरण करौलनि। नयाँ अभ्यासको थालनीको दिन बनेको छ। यस प्रकारको अभ्यास यो नयाँ अभ्यास हो जो हामीले आज प्रारम्भ गरेका छौँ। यस्ता थुप्रै नयाँ अभ्यासहरू हामी प्रारम्भ गरिरहेका छौँ, अगाडि बढाइरहेका छौँ, जसमध्ये नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली जल विद्युतमा, ऊर्जामा सेयरधनी, यो नारा मात्रै होइन, व्यावहारिक रूपमा हामी आफूले आफ्नै ससानो पुँजीलाई पनि सङ्कलित गरेर ठुला कामहरू गर्न सक्छौँ। मौरीले सानो सानो चुच्चोमा थोरै थोरै फुलको रस ल्याएर थुप्रै मह तयार गर्छ, हामी त्यसै गर्न सक्छौँ। नेपाल ऊर्जाको विश्व प्रसिद्ध रूपमै
धनी देश तर ऊर्जाको सदुपयोग हुन नसकिरहेको पानीको जल विद्युतको सदुपयोग हुन नसकिरहेको अवस्था यस अवस्थामा हामी यसलाई एउटा प्रारम्भिक प्रयोगात्मक हिसाबले पनि अगाडि लाँदैछौँ यसलाई सफल बनाएर छाड्नेछौँ यो सफल हुनेछ र म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले अरूसँग धेरै हात थाप्ने भन्दा पनि आफ्नो देश आफै बनाउने अभ्यास गर्नुपर्दछ प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय स्वाभिमानक सङ्घ देशके समृद्ध बनाव सेहो सरकार अहि अभियानके सञ्चालनमे आनल गेल बतौलनि नेपालको पानी जनताको लगानी सबै नेपाली जलविद्युतको शेयर धनी मूल नाराके सङ्घ घोषणा कयल गेल एहि कार्यक्रमसँग जलविद्युतमे करिब 7 खरब रुपैयाँ स्वदेशी लगानी जुटेबाक सरकारके लक्ष्य रहल अछि सङ्घीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अङ्गीकृत नागरिकता देबाक विषयमे सुझाव देबा 5 सदस्यीय उपसमिति गठन कयलक अछि समितिके आइ सिंहदरबारमे बैसल बैसारमे नेपाल नागरिकता ऐन 2063के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक परामर्शके क्रममे समितिके सदस्य सब बीच अङ्गीकृत नागरिकताके विषयमे मतभेद भेला पश्चात ई समस्या समाधान करबाक उद्देश्यसँ आवश्यक सुझाव देबा 5 सदस्यीय उपसमिति गठन कयल गेल अछि उपसमितिमे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाके दिशा विजय सुब्बा यशोदा सुवेदी आ नवराज सिलवाल नेपाली कङ्ग्रेसक दिशा देवेन्द्र राज कडेल आ संघीय समाजवादी फोरम नेपालके दिशा राम सहाय प्रसाद यादव रहल समितिके सभापति शशि श्रेष्ठ जानकारी दिलिन् मान्य श्री देवेन्द्र राज कडेल मान्य श्री राम साय प्रसाद यादवको दफा 4 संशोधन विधेयकको छलफल हुन बाँकी विषय विदेशी महिला सँग नेपालीले बिहे गरेको खण्डमा र त्यस्तो महिलाको सन्दर्भमा निम्नतम 7-10 वर्ष तोक्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ र सबैबाट त्यो खालको आएको थियो तर एउटा त्यो पनि आएन र सँगसँगै त्यो प्राप्ति त्यो प्रक्रिया पुग्नुभन्दा पहिले उहाँले अन्त्यसम्म नेपालमा बस्दा एउटा वैवाहिक परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको थियो त्यो नआएको हुनाले यसलाई पनि समेटेर अनि त्यसपछि यो प्रतिवेदन आएको भए राम्रो हुन्थ्यो र यो प्राप्ति यो जुन छलफलमा आएको विषय छ यसलाई समेटेर जाउँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु बैसारमे समितिके सदस्य सब 10 वर्ष पूरा नै भेल नेपाली नागरिक विवाह केने विदेशी महिलाके अङ्गीकृत नागरिकता देव नै पेबाक व्यवस्था गर सरकारसँग माग केने छल समितिके सदस्य झपट रावल नेपाली सँग विवाह केने विदेशी महिला अङ्गीकृत नागरिकता पाव कम्तीमे 10 वर्ष रुक परत प्रावधान राख माग केले मौलिक हकमा व्यवस्था भएको कुरादेखि ल्याएर महिला के अरे समानताको हकमा व्यवस्था भएका कुरा ती सबै कुराहरूलाई पनि हेरेर र हाम्रो फेरि संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी जुन प्रावधान छ नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा नेपाली पुरुषसँग जस्तो नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको विषयमा नागरिकता सङ्घीय कानुन बमले नागरिकता दिवस समितिले समितिके दोसर सदस्य रेखा शर्मा नेपाली महिला सङ्घ विवाह कऽ कऽ नेपालेमे बैसे चाहवला विदेशी नागरिक सेहो अङ्गीकृत नागरिकता पेबाक उचित व्यवस्था गर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसक नेता डाक्टर राम शरण महत वर्तमान सरकार विदेशी लगानी आन सक्षम नै रहल दावी कयलनि अछि पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहल कङ्ग्रेसक नेता महत नेपालके समृद्धिके लेल विदेशी लगानी आवश्यक रहलो पर ओहिके लेल सरकार सक्षम नै भेल दावी कयलनि सरकार वैदेशिक लगानी आन इएह चैत 15 आ 16 गते काठमाडौँमे नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना कऽ रहल अछि मुदा कङ्ग्रेसक नेता महत एहि लगानी सम्मेलनसँ वैदेशिक लगानी आन सरकार आवश्यक पूर्वाधार विकास नै केने दावी कयलनि सड़क एयरपोर्ट लगायतके भौतिक पूर्वाधार तयार नै कऽ कऽ आयोजना करऽ लागल लगानी सम्मेलनसँ वैदेशिक लगानी नै आयत महतके तर्क अछि काठमाडौँमे आयोजित कार्यक्रममे नेता महत नेपालमे जलस्रोत उद्योग पर्यटन वन लगायतके क्षेत्रक विकासक लेल वैदेशिक लगानी अनिवार्य रहलो पर ओहिके आन भौतिक पूर्वाधार विकास करऽ परलमे सरकार एहन नै कर सकल स्पष्ट कयल यो पूर्वाधारको लागि पनि चाहिँ विगतमा कानुन बनेका छन् जसको चाहिँ बिओटी कानुन यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा लगानी भित्राउने विभिन्न बनेको छन् तर त्यसलाई व्यावहारिकतामा परिणत गर्न सम्मेलन गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन पर्याप्त यो प्रचार गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन त्यसको लागि हामीले आवश्यक पूर्वाधारहरू पूर्व आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ
एउटा पहिलो पूर्वावश्यकता भनेको राम्रो पूर्वाधारहरू सडकहरू त्यस्तै गरी चाहिँ एयरपोर्ट लगायत चाहिँ नि यो आवश्यक जो पूर्वाधारहरू नेपालमा तयार हुनुपर्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नुपर्छ जुन मुख्यतः सरकारको जिम्मेवारी हो तर सरकार अत्यन्त अदक्ष छ दक्षता देखिएको छैन कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको लागि 12, 15, 16, 17 वर्ष चाहिँ लाग्छ बेलाम्चीको हेर्नुहोस् ऊ भन्ने हेर्नुहोस् त्रिभुवनी एयरपोर्टको स्थिति हेर्नुहोस् त्यस कारण चाहिँ पूर्वाधारमा सुधार गर्नलाई भएका पूर्वाधारमा सुधार गर्नको लागि यिनीहरूको क्वालिटी अपग्रेड गर्न सरकारको प्राथमिकता हुन्छ ती त्यसैलाई मेट्रिलाइज गर्नको लागि चाहिँ सरकार वैदेशिक लगानी आना कानून निर्माण काज केलो पर भौतिक पूर्वाधार विकास में प्राथमिकता देव नहीं सकल बतौलने नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला संघीयता गणतंत्र के विरोध में अपने कोनो अभिव्यक्ति नहीं देने दावी कलने महामंत्री कोइराला संघीयता गणतंत्र राजनीतिक उपलब्धि वेल कहित वही के संस्थागत विकास कैल जेबा में अपने जोर द रहल बतौलने बुध दिन काठमांडू के टोखा स्थित अपने निवास में संचारकर्मी बीच जनता चाहला पर गणतंत्र और संघीयता के विषय में जनमत संग्रह में जाए कांग्रेस तैयार रहल अभिव्यक्ति द कर विवाद में पड़ल महामंत्री कोइराला आई चितवन के भरतपुर में बोली फिरता लेने वो हिंदू राज्य स्थापना के लिए सरकार के दबाव देव जनता के फिर से अपील के लिए त्यो बेला तपाईँहरू केही कुरा उठाउनुहुन्न अहिले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको बारेमा कुरा उठाउनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको स्पष्ट धारणा छ कि एउटा तारा धर्म स्वतन्त्रताको तारा हो र त्यही नै हो पूर्ण विराम धेरै ठाउँहरूमा जाँदाखेरि मैले हिन्दू बाबाहरू जुन छन् उनीहरूलाई म भन्छु तपाईँहरू प्रेसर हाल्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसमा धर्म स्वतन्त्र हाम्रो बटम लाइन भनेको धर्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ एउटा प्रतीक यो चार तारे झन्डाको एउटा तारा चाहिँ धर्म स्वतन्त्रताको तारा हो त्यसैले हो अब तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने त प्रेसर हाल्नुहोस् सरकारलाई प्रेसर हाल्नुहोस् भन्ने कुरा मैले गरेँ अब यसका लागि चाहन्छु भने यो के अरे सङ्घीयता र गणतन्त्रको बारेमा यो त हाम्रो उपलब्धि हो यसको बारेमा मैले जनमतमा जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको होइन उसमा पनि मैले स्पष्टताका साथ भने तर के कारण होस् यो छापियो म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु गणतन्त्र र संहिताको बारेमा जनमतमा जानुपर्ने आवश्यकता छ फरक प्रसङ्गमा महामन्त्री कोइराला नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग तत्काल संवाद गर सेहो सरकारकै अपिल कलन चन्द नेतृत्वकै नेकपाकै वार्ताकै टेबलमा आनिकऽ समस्या समाधान गर के बदला धरपकड क सरकार गल्ती कर रहल महामंत्री कोइरालाके कहब अछि अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक सरकार नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संग वार्ता में बैसक लेल सदा तैयार रहल स्पष्ट कलक संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा चंद नेतृत्वक नेकपा के संग वार्ता में बैस सरकार तैयार रहल स्पष्ट कलन मुदा ओहि के लेल चंद्र नेतृत्वक नेकपा हथियार छोड़ कर सरकार के शर्त रहल मंत्री बास्कोटा के कहब आई मंत्रिपरिषद बैसारक विषय में जानकारी देव आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देव के क्रम में ओ कोनो समूह के हिंसाजन्य गतिविधि कर के सरकार छूट नहीं देने बतौलने मंत्री बास्कोटा चंद नेतृत्वक नेकपा के वार्ता के नाम में और गलत गतिविधि के तैयारी करवाक छूट होब नहीं सकत बतौलने गर्न सक्छौँ भिडबाट लड्नेलाई त राम्रा मनियो कहाँ थाप्न को जान्छ तपाईँहरू कोही जानुहुन्छ कोही पनि जाँदैन त्यसैले यो चाहिँ त्यही कुरा हो सिद्ध्याउने भन्ने हाम्रो शब्दकोशमा छैन उहाँहरूलाई हामी फेरि पनि गलत असम्भव असान्दर्भिक दार्शनिक हिसाबले राजनैतिक हिसाबले वैचारिक हिसाबले पनि आजको सोसाइटीले स्वीकार गर्न नसक्ने खालका विषयहरूलाई छोडेर आउँदा कोही पनि सानो हुँदैन त्यसो भयो भने मैले अस्ति पनि उल्लेख गरेका छु हामी सधैँ सधैँ संवादको निम्ति तयार छौँ तर संवाद थप गलत गतिविधिको निम्ति तयारीको मौका हुन सक्दैन यो
मन्त्री बास्कोटा संविधान उपर प्रश्न उठाबेबाक मुदा संविधान के मूलभूत विषय संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र उपर क्यों प्रश्न कर नहीं पायत स्पष्ट कलेने सरकार विज्ञापन के लिए छुटियाल गेल बजट खर्च नहीं भेला पर स्वतः राज्य कोष में फिरता हेबा कानूनी व्यवस्था कर लागल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा सरकार विज्ञापन बोर्ड से वितरण कर लागल विज्ञापन संबंधी बजट खर्च नहीं भेला पर स्वतः राज्य कोष में फिरता हेबा कानूनी व्यवस्था कर लागल जानकारी दलन आई संघीय संसदक विज्ञापन विधान व्यवस्थापन समिति के बैसार में विज्ञापन नियमन करबाक संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक ऊपर परामर्श में भाग लेत विज्ञापन के लेल खर्च नहीं भेल बजट के निष्क्रिय होव नहीं देब सेहो सरकार अइ बजट के राज्य कोष में फिरता करबाक कानूनी व्यवस्था कर लागल स्पष्ट कलन सरकार एखन करीब 4 अरब बजट विज्ञापन के लेल विनियोजन करैत आयल अछि ओहि में खर्च नहीं हेबाक व्यवस्था अयला सँ खर्च नहीं भेल बजट स्वतः राज्य कोष में फिरता हेबाक प्रस्ताव अइ विधेयक में समावेश कयल गेल अछि सबैले ती मार्फत जाने भन्ने कारणवश खर्च भएन र खर्च नभएको पैसा चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारकै पैसा पनि हो त्यो खास प्रयोजनमा विज्ञापनको निम्ति खुट्याइएको पैसा हो अब त्यही वर्षभित्र खर्च भएन भने त नेक्स्ट इयर पनि विज्ञापनको निम्ति त बजेट त हुने भयो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ व्यक्तिले खर्च गर्ने कुरा त रहेन सरकारले नै खर्च गर्ने हो त्यस हिसाबले खर्च हुन नसकेको चाहिँ निष्क्रिय पुँजी किन राख्ने त त्यसो भए भन्ने कुरा चाहिँ हो यसको खास उद्देश्य जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरूले लिएर पनि त्यसै भएर होला त्यसैले चाहिँ कोष चाहिँ गइरहने खर्च चाहिँ भएन भने थुप्रिरहने हुन्छ नि थुप्रिरहनु पर्ने कारण त छैन त्यसैले यो अलिकति बाध्यकारी व्यवस्था गर्दाखेरि तिमी खर्च गर है विधेयक में विज्ञापन बोर्ड अपन कोष में छुटियाल गेल बजटक लेखा प्रणाली महालेखा परीक्षक के कार्यालय से कराओल जेबाक सेहो लिखल गेल अछि संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालक महिला सहयात्रा माइक्रो फाइनेंस वित्तीय संस्था लिमिटेड के $1,00,000 सहित सम्मान कयलक अछि संयुक्त राष्ट्र संघीय मामिला सभक महिला सभक अवस्था संबंधी 63वीं महासभा में महिला सभक सशक्तिकरण के क्षेत्र में नीक योगदान देला से ओहि संस्था के $1,00,000 सहित राजकुमारी सबिका बिंत अब्राहिम अल खलीफा ग्लोबल अवार्ड से सम्मान कयलक अछि आइ काठमाडौँमे पत्रकार सम्मेलनक संस्थाक निजी क्षेत्रक दिशा महिला सशक्तिकरणके क्षेत्रमे योगदान देने अनुसार अपन संस्थाके संयुक्त राष्ट्र संघ $1,00,000 सहित सम्मान केने जानकारी देलक अछि संस्थाक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डॉक्टर सुमित्रा मानन्दर बीतल 3 वर्ष भीतर एम्हर महिला सशक्तिकरणके क्षेत्रमे विश्वमे निजी क्षेत्र सब दैत आयल योगदानके मूल्यांकन कऽ कऽ अपन संस्था ई पुरस्कार प्राप्त केने सेहो जानकारी देलनि अछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मानन्दर ग्रामीण क्षेत्रके महिला सबमे उद्यम विकास आ बजारीकरण सम्बन्धमे आवश्यक ज्ञान तथा सीप आ ओहिके लेल आवश्यक लगानीके सेहो व्यवस्था कयला बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अपन संस्थाके सम्मान केने स्पष्ट कयलनि अछि आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अफगानिस्तानक राजधानी काबुल में आई भेल बम विस्फोट में पड़िकऽ 6 गोटे के मृत्यु भेल अछि काबुल में आई भोरे भेल विस्फोट में पड़िकऽ 6 व्यक्ति के मृत्यु भेलाके संगे आओर 23 गोटे घायल भेल अछि एहि आक्रमण के तालिबानी आतंकारी समूह जिम्मा नहीं लेने अछि काबुल विश्वविद्यालय आ एक तीर्थस्थल के नजदीक फारसी भाषा सब नया वर्ष के विदा मना रहल समय अफगान नागरिक के भीड़ में ई विस्फोट भेल छल अफगानिस्तानक सिया मुसलमान समुदाय लक्षित IS आतंकारी समूह सेहो बेर बेर आक्रमण करैत आयल अछि अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आई अंतगृह परिक्रमा का संपन्न परंपरा अनुसार तराई में होली पावन हर्षोल्लास पूर्वक मनाल जा रहा अंगीकृत नागरिकता के विषय में मतभेद भेला पश्चात अइके समाधान कर समिति से 5 सदस्यीय उपसमिति गठन कयल गेल वर्तमान सरकार विदेशी लगानी आन सक्षम नहीं रहल कांग्रेसक नेता डॉक्टर महतक दाबी ज्ञापन के लेल छुटियाल गेल बजट खर्च नहीं भेला पर स्वतः राज्य कोष में फिरता हेबाक कानूनी व्यवस्था करबाक सरकारक तैयारी अफगानिस्तानक काबुल में बम विस्फोट 6 गोटे के मृत्यु बेस्त अपन समाचार एखन लैत वएह पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन नमस्कार